ये सब तुमने देखा है। और ऐसे लोग साथ मिलकर आज हमारे समाज में महिलाओं को लोग भेदभाव की बात को लोगों के मनों में बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कपट है। लेकिन हमारा समाज थोड़ा अज्ञानी है, क्या चल रहा है उसको पता नहीं है। उसको ये जानकारी देनी पड़ेगी और जानकारी देते ही जब वो जान जाएगा तो एक नहीं अनेक बार ये सिद्ध हुआ है कि परिस्थिति का पूर्ण संज्ञान लेकर अगर हिंदू समाज खड़ा हो जाता है तो उसको तोड़ने की और उसको परास्त करने की दुनिया में आज भी किसी की क्षमता नहीं है। आप मान लीजिए देर इसी बात की है, हमने छोड़कर बाकी तीनों में सबको सदा पड़े हैं। यहां भगवान का एक वैश्विक ब्रह्मचारी स्वरूप है, इसलिए वहां विशिष्ट आयु की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और शताब्दियों से वहां अयप्पा की भक्ति करने वाला जो भक्तवृंद है उसकी माता भगिनियों की उसको स्वीकृति है। 70,000 महिलाएं एक व्हाट्सएप ग्रुप पर है जो कहती है कि हमको ये मंजूर है, हम उठने के लिए तैयार है। ये तो एक विशिष्ट मंदिर की परंपरा का प्रश्न है जिसको हमारे संविधान ने पूरी सुरक्षा दी है। लेकिन आनंद ठाकुर में ऐसा निर्णय आएगा तो निर्णय आया उसका निर्णय पत्र पढ़ते हैं तो ऐसी भी बातें कही गई है कि भाई भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, लीगल एंटिटी नहीं है और मंदिर में एक पब्लिक प्लेस, इसलिए वहां हम सब नियम लागू करते हैं।